हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग रियल नंबर्स में क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ा था, और उसके बाद क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा, उससे एचसीएफ निकालना, एग्जांपल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, लीनियर कॉम्बिनेशन, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इतना सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज मैंने आपको बोला था कि मैं आपको उसका थ्योरी फॉर्म भी बताऊंगी कि लीनियर इक्वेशन से या लीनियर यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्योरी वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए इसके थ्योरी क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, क्या दिया है, शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q and every odd positive integer of the form of 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं। कहाँ चली गई स्क्रीन भाई अपनी? हाँ, ये है अपनी स्क्रीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे b की जगह पे क्या लिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे b की जगह पे ले रखा है 2। ठीक है ना, तो हम अज्यूम करते हैं कि नंबर है, अब या इवन का अलग केस लेंगे, ऑड का अलग केस लेंगे। ठीक है, तो अभी इवन के केस में, इवन वाले केस में ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्म होता है। B की जगह पे क्या है, 2 है। अच्छा, R क्या होगा, लेस देन 2 होगा, इसका मतलब R क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा जब हम R को 0 लेंगे, ठीक है, तो A क्या हो जाएगा, केस 1, जब R 0 ले लेते हैं तो A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 2q। क्यों, क्योंकि यहाँ पे b कितना है, b हमने 2 लिया हुआ है। ठीक है ना, और जब केस 2 यानी r को हम क्या ले ले, 1, अगर हम r को 1 ले लेते हैं तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2q प्लस 1, है ना। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो ये था इवन और ये क्या था, और ये मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बता भी दिया था। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये मैंने क्लास में आपको करवाया हुआ था। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, देखो, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी मैंने आपको करवाया था, है ना। स्क्वायर करने के बाद x की वैल्यू 3q 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 लिया, फिर केस 1 में x को जब 3q लेते हैं तो इसका स्क्वायर किया, ये कितना आया, 9q स्क्वायर, और इसको हमने 3.3q स्क्वायर लिया, और इस q स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, इसको हमने ले लिया m, तो क्या हो गया था, 3q इज इक्वल टू m फर्स्ट केस। सेकंड केस में x स्क्वायर को 3q प्लस 1 का फॉर्म लिया, है ना, और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है इसको हमने क्या ले लिया था, m, तो ये 3m प्लस 1 का फॉर्म आ गया था। और थर्ड में इस 4 को हमने ब्रेक किया था 3 प्लस 1 में, प्लस 1 को अलग लिखा और जो 3 था उसको कॉमन में ले लिया, और इस ब्रैकेट के अंदर की चीज को हमने m ले लिया, तो अगेन ये 3m का फॉर्म, m प्लस 1 का फॉर्म आ गया था, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग अपने लास्ट वाले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक, अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है, जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो क्या है, देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस n जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। अब इसमें क्या करो, इसमें हम लोग कॉमन ले ले अगर n को, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, अगर हम n कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में रह जाएगा n माइनस 1। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, ये दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो जाएंगे, है ना, कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी एक n कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, n माइनस 1।
और हमको ये पता है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं तो उनमें से एक नंबर इवन और एक नंबर ऑड होता ही है, और अगर एक नंबर इवन है तो वो टू से डिवाइड होगा ही होगा, है ना। अब हमको ये चीज पता तो है, पर अब इस चीज को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए देखो क्या करते हैं, क्या कौन सा फॉर्म दिया है, डिविजिबल बाय टू दिया है ना, तो यूक्लिड क्या बोलता है, यूक्लिड कहता है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अगर हम बी को ले लें टू, तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 0,1, ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम ए को एन लेते हैं केस वन में, अगर हम ए को लेते हैं एन, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 2q+r, राइट। अब एक बार r को रखो 0, तो r जब 0 हुआ तो n कितना हुआ, n हुआ 2q, ठीक है ना, और जब r 0 हुआ तो n 2q हुआ, तो n माइनस वन कितना हुआ, तो n माइनस वन हुआ 2q-1, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ, तो इनका मल्टीप्लीकेशन यानी n इंटू एन माइनस वन कितना हो गया, ये हो गया 2q × 2q-1, ठीक है, समझ में आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × q और 2q-1। तो अब नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इवन है यानी 2 से डिविजिबल है। अब देखो इस 2 को वहां से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अब केस 2, ये हमने केस 1 किया, केस 2, केस 2 में अब हम क्या करेंगे, डिविजिबल भाई, हाँ ठीक है। अब हम a को ले लेंगे n माइनस वन, ठीक है। अब अगर हम a को n माइनस वन ले लें, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 2q+r, ठीक है। अब अगर r को 0 रखो, देखो वही केस, r जब r को 0 रखो तो n माइनस वन इज 2q, तो n इज इक्वल टू 2q+1, समझ में आया ना। अब जब r को 1 रखो, r को 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो होगा n माइनस वन इज 2q-1, ये माइनस वन उधर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2q। तो सेम वही केस हो जाएगा जो पहले वाला था, और फिर यही स्टेप वापस से कर देंगे, तो इट मीन्स n n माइनस वन इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ओके। अच्छा अब देखो दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और शो दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर n n प्लस 2 और n प्लस 4 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे तीन नंबर दिए हुए हैं, n n प्लस 1 और n प्लस 4। अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो क्लियर कर दिया पूरा पेज वाला, ठीक। अब इसके लिए तीन नंबर दिए, एक n, एक n प्लस 2 और एक n प्लस 4, और डिविजिबल बाय क्या दिया है, 3। तो भाई a, वन सेकेंड, तो क्या करेंगे, ये हो गया था, ये कर रहे थे, ठीक है, ओके। हाँ तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अच्छा डिविजिबल y क्या है, 3। अब डिविजिबल y है 3, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3, ठीक है। अब b की वैल्यू 3 हो गई, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, लेस देन 3, यानी 0, 1 एंड 2, समझ में आया इतना, ठीक। r की वैल्यू हो गई 0, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे के, देखो जब वो a को लेते हैं n, ठीक है, हम केस वन लेते हैं, केस वन, तो अब केस वन में क्या होगा,
कि आर को लिया हमने जीरो, आर को जीरो लेंगे, ठीक है। तो पहले देखना, जब हम आर को जीरो लेके करते हैं तब क्या होता है, इक्वेशन क्या है यहाँ पे, एन इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर, ठीक, आर जीरो हो गया तो एन इज इक्वल टू थ्री क्यू, एन थ्री क्यू होगा तो एन प्लस टू कितना होगा, एन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, ठीक है। और एन प्लस फोर कितना होगा, एन प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस फोर, ठीक है। ये फर्स्ट केस था जब हमने आर को जीरो लिया था। अब देखो इन तीनों में से, इन तीनों में से कोई एक, इन तीनों में से एग्जैक्टली कोई एक डिविजिबल बाई थ्री होगा, है, यस है, कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब केस टू, केस टू जब आर इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब जब केस टू में आर इज इक्वल टू हमने वन लिया, तब देखो एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा थ्री क्यू प्लस वन, ओके। तो एन प्लस टू कितना हो जाएगा, एन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन प्लस टू, ये थ्री क्यू प्लस वन तो था ही, दोनों साइड में हम टू टू ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा थ्री क्यू प्लस वन प्लस टू, इट मीन्स थ्री क्यू प्लस थ्री, और अगर हम थ्री कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाता है, क्यू प्लस वन, ठीक है ना। तो एन प्लस टू इज थ्री क्यू प्लस थ्री टाइम्स क्यू प्लस वन, और एन प्लस फोर कितना हो जाएगा, एन प्लस फोर हो जाएगा, अब देखो थ्री क्यू प्लस वन था, अब इसमें अगर हम प्लस फोर कर दें तो कितना हो जाता है ये, थ्री क्यू प्लस फाइव, समझ में आया। अब देखो ये और ये, एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर में से कौन है जो थ्री से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, कौन है, ये है, क्योंकि ये देखो थ्री एक फैक्टर है ना, तो थ्री से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, समझ में आया है ना ये चीज। अब देखो लास्ट केस, जो केस है हमारा थ्री, ठीक, तो केस थ्री में क्या होगा ये देखते हैं, देखना केस थ्री के अंदर ना हम कैसे करेंगे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू टू हो जाएगी यहाँ पे, तो अभी एन कितना होगा, एन होगा थ्री क्यू प्लस टू, तो एन प्लस टू कितना होगा, एन प्लस टू होगा, अब देखो टू अगर हम इधर लेफ्ट साइड ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑलरेडी टू था, एक और टू ऐड कर दो तो ये हो जाएगा थ्री क्यू प्लस फोर, ठीक है ना। तो एन प्लस फोर कितना होगा, अब देखो एन के साथ में हम फोर ऐड कर रहे हैं तो इधर भी फोर ऐड करना पड़ेगा, इधर फोर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस टू प्लस फोर यानी सिक्स, ठीक। अब यहाँ पे थ्री कॉमन ले लो तो कितना हुआ, क्यू प्लस टू। अब देखो ये इसमें थ्री एक फैक्टर है ना, ठीक है ना, एक थ्री फैक्टर है, तो एन प्लस फोर के लिए थ्री एक फैक्टर है, तो इसका मतलब एन प्लस फोर थ्री से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो केस वन में एन डिविजिबल है, केस टू में एन प्लस टू डिविजिबल है, ठीक है, और केस थ्री में एन प्लस फोर डिविजिबल है। इसका मतलब एग्जैक्टली वन नंबर आउट ऑफ थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री, समझ में आया ये चीज। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके, एग्जैक्टली थ्री का है, एग्जैक्टली फोर का केस भी पूछा जाता है कहीं कहीं, ठीक। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये डेसिमल नंबर का टॉपिक आप लोग कर चुके हो पहले भी, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, डेसिमल को दो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग में कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग में वो वाले होते हैं जो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है थर्टीन बाई टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिक्स पॉइंट फाइव, यहाँ पे टर्मिनेट खत्म। अब यहाँ से आगे कंप्यूटेशन नहीं है, यहाँ से आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे, ये यही खत्म हो गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, जो खत्म ही नहीं होते, ठीक है, बढ़ते जाते हैं, आप जितना कैलकुलेशन करते जाओ वो उतने बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बिल्कुल हनुमान जी टाइप्स के, वो जितना चाहे उतने बड़े हो सकते हैं, ठीक है।
तो अब नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे हमने क्या किया, 20/3 करो, क्या आएगा 6.6666, जितने चाहो जितने लगा सकते हो उतने सिक्स लगा सकते हो अप टू इनफिनिट, ठीक है ना, सुन में आया। इनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के होते हैं, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। तो जो मैंने आपको ये बताया ना, ये रिपीटिंग टाइप है, इसमें क्या हो रहा है, एक सिक्स नंबर जो है वो रिपीट होता जा रहा है ठीक है, तो ये रिपीटिंग टाइप है। नॉन रिपीटिंग कैसे, रिपीटिंग में ऐसे भी होते हैं जैसे ये है 5.167167167, ये क्या, इसमें 167 जो है वो कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है ना, थ्री डिजिट का पैकेट है ये, थ्री डिजिट का एक पैकेट है और ये पैकेट रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पे वन डिजिट का पैकेट था सिक्स का जो बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक। अब नॉन रिपीटिंग में क्या होता है कि ऐसा हमें पैकेट ही नहीं मिलता जो बार बार रिपीट हो रहा हो, इसमें कैसे होगा ना, इसमें होगा जैसे 3.16501203, मतलब ऐसे नंबर्स होंगे जो रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, या 3.10110000410. अब देखो इसमें या तो 10 का पैकेट, मतलब जो अंदर का पैकेट होता है ना उससे नंबर ऑफ डिजिट सेम होने चाहिए, तो अगर ये टू डिजिट का है तो फिर नेक्स्ट टू डिजिट में तो 11 लिखा है, फिर नेक्स्ट टू डिजिट में तो 01 है, फिर नेक्स्ट टू डिजिट में फिर 11 है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना, एक ही पैकेट कॉन्टिन्यूस रिपीट होना चाहिए, ठीक। तो ये नॉन रिपीटिंग में आएगा, समझ में आया। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दोनों का डिफरेंस समझ में आया ना। अब देखो रिपीटिंग में भी दो टाइप के होते हैं, एक प्योर फॉर्म और एक मिक्स्ड फॉर्म। प्योर फॉर्म कैसा होता है, जिसमें डेसिमल के बाद से ही नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि ये डेसिमल के बाद से ही 167 रिपीट होना शुरू हो गया। मिक्स्ड फॉर्म कैसा होता है, जिसमें 3.2, अब 2 रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, 3.2 के बाद 7171, तो ये 71 रिपीट होना शुरू हो रहा है, सुन में आया। मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा है या दो नंबर ऐसा है या कुछ नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, आफ्टर दैट हमें पैकेट मिल रहा है जो रिपीट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मिक्स रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, समझ में आया इन सबका डिफरेंस, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इनका कन्वर्जन, ठीक है के? अच्छा देखो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दे आर रैशनल्स, ठीक है, ये रैशनल नंबर्स हैं। रिपीटिंग जो होते हैं, जैसे देखो ये रिपीटिंग था ना, बट इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा था, सो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं, कई जगह बुक में इसको रिकरिंग भी लिखा जाता है। सो रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो रैशनल, वाई, बिकॉज दे कैन ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कांट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, सो दे आर, ये क्या है, ये है इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना, इनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, समझ में आई ये बात, ठीक। अच्छा अब इसके बाद मैं ये सब क्लियर कर रही हूँ, कन्वर्जन देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग, ठीक। तो देखो कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू पी बाय क्यू फॉर्म, अब कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, तो टर्मिनेटिंग वाला तो बहुत इजी है, सिंपल डिवीजन में कन्वर्ट कर लो, जैसे टर्मिनेटिंग में दिया है 3, 2, 7, तो क्या किया, ये डेसिमल हटाया, ठीक है, डेसिमल हटा के अपॉन में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा लो, बन गया पी बाई क्यू का फॉर्म, ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग का था। अच्छा अब नॉन टर्मिनेटिंग तो कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है, होगा नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग कन्वर्ट होगा, नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में देखते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में मैंने दो फॉर्म बताए थे आपको, पहला कौन सा, प्योर फॉर्म, तो हम पहले प्योर फॉर्म वाला देखते हैं कि प्योर फॉर्म वाला कैसे होता है। तो देखो प्योर फॉर्म में जैसे एक नंबर लिया मैंने 3.292929,
एंड सो ऑन. तो इसको हम 3.29 बार भी लिख सकते हैं, जहां 29 रिपीट हो रहा है. अब इस नंबर को हम x ले लेते हैं, ठीक. तो x इज इक्वल टू 3.29 बार. अब अगर ये पूरा पैकेट, मतलब 29 बार का एक पैकेट दो डिजिट्स का है ना, अगर इसको डेसिमल के बाहर निकालना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दो डिजिट्स है ना तो दो जीरो चाहिए. 100x इज इक्वल टू 329 पॉइंट, अगेन 2929 शुरू हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 29 बार, ठीक है ना. इनफिनाइट में से तुमने एक पैकेट निकाल लिया तो इनफिनाइट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अभी भी वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है ना. अब ये है इक्वेशन वन हमारी, और ये है हमारी इक्वेशन टू. तो इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट करो, तो 100x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 99x, और यहाँ पे 329 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 326. डेसिमल के बाद की डिजिट सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगी. तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 326 अपॉन 99, ठीक है. इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, और अगर ऐसे भी लिखोगे तो ये आंसर गलत नहीं होगा. ये है प्योर फॉर्म, ठीक है, कि प्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करते हैं. अब दूसरा जो है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज मिक्स्ड फॉर्म, ठीक. अब देखो मिक्स्ड फॉर्म में कैसे करते हैं. हमने नंबर लिया यहाँ पे 7.917, यहाँ पे 17 रिपीट हो रहा है, मतलब ये डिजिट कैसी है, ये डिजिट ऐसी है 7.917 17 17 17 एंड सो ऑन, मतलब 17 का पैकेट रिपीट हो रहा है, ठीक है. तो हमने इसको ले लिया x, ठीक. तो x इज इक्वल टू 7.917 वेयर 17 इज रिपीटिंग, ठीक. अब अच्छा देखो, अब क्या करेंगे हम, इसमें से ये 917 में से पहले 9 को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो टर्म रिपीट नहीं हो रहा है पहले उसको हटाने का. तो एक ही नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 10 वाले से. सो ये क्या हो जाएगा 79 पॉइंट, अभी कितना आ गया, अब आ गया डेसिमल के बाद रिपीटिंग पैकेट, ठीक है. अब ये रिपीटिंग पैकेट बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स. तो इस 10 में टू डिजिट यानी 100, 20 यानी 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो एक तो 10 था ही, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1000 हो जाएगा. सो 1000x इज इक्वल टू 7917.17 बार. इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है. अब इसमें क्या करना है, अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो जब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, जरा सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या कर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, 7917 में से सब्ट्रैक्ट करो 79 को, तो कितना आएगा, आंसर आएगा. अच्छा यहाँ पे तो पहले कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 990 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 7838, और डेसिमल के बाद का तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना. तो अब x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 7838 अपॉन 990. इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों इवन नंबर है तो कैंसिल होएगा, कैंसिल होगा तो सिंप्लीफाई करके देख लो, जो भी आंसर आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना. ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, बट ये 10th में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है. और अब 10th का तो जो पैटर्न है उसमें 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, ठीक है, जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव हैं और बाकी 10 में वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें ये आ सकता है, इसका चांस है आने का, ठीक है ना. अच्छा अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, देखिए अब पढ़ेंगे प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक. अब आपने ये तो पढ़ा था कि रूट टू इरेशनल नंबर है, अब उसको प्रूफ कैसे करेंगे. तो देखो जब ऐसी चीजें प्रूफ करनी होती है ना, तो हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्ट टर्म ले लेते हैं. जैसे अब मान लेते हैं दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, एक बोल रहा है कि नहीं बारिश हो रही है, दूसरा कहता है कि नहीं नहीं हो रही है. भाई बहुत समझाया ए ने बी को,
ठीक है, ए कह रहा है कि बारिश हो रही है और बी कह रहा है नहीं हो रही, तो ए ने पहले बी को समझाया कि भाई बाहर देख बारिश हो रही है, लेकिन उसको नहीं समझ में आया। तो ए ने क्या किया, ए ने कहा कि अच्छा ठीक है बारिश नहीं हो रही, तो एक काम कर घर के बाहर निकलो, ठीक है मैंने मान लिया कि बारिश नहीं हो रही, अब तुम घर के बाहर निकलो। तो बी बाहर जाके खड़ा हो गया, बाहर खड़ा हुआ तो क्या हुआ, वो पूरा भीग गया, ठीक है ना। अब भीग गया तो ए ने उसको बोला कि देख मैंने तुम्हारी बात मानी थी कि बारिश नहीं हो रही, पर अगर बारिश नहीं हो रही होती तो तुम भीगते नहीं, है ना, लेकिन तुम भीग चुके हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने कहा बारिश नहीं हो रही वो कॉन्ट्राडिक्ट था, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत था, दोनों चीजें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही, समझ में आया। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, जब हमें प्रूव करना है कि रूट टू इज इरेशनल, तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं भाई रूट टू तो रैशनल है, ठीक। अब अगर रूट टू रैशनल है तो रैशनल नंबर को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख लिया। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे दिया है कि रूट टू इज रैशनल, तो रूट टू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, लिख लिया ए बाई बी के फॉर्म में, वेयर ए एंड बी इज अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म क्या होता है, जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 8/24, तो इसका लोएस्ट टर्म क्या होगा, दोनों को ये सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 3, तो अब ये लोएस्ट टर्म आ गया। लोएस्ट टर्म में ये दोनों नंबर जो है ना, अब ये इससे आगे एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकता, अब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। सो दे आर प्रो प्राइम, इनका कोई कॉमन फैक्टर बचा ही नहीं है, अब इससे सिंपल नहीं हो सकते, ये कॉमन फैक्टर होता तो ये और डिवाइड हो जाते, बट अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म, ठीक। सो रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी, वेयर ए कॉमा बी इज अ फ्रैक्शन ऑफ लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। अब क्या किया, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, और ए बाई बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा, इसको लिखा 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को वहां डिवाइड कर दो, इस बी स्क्वायर को वहां डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा बी स्क्वायर, 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो a इंटू ए क्या आ रहा है, 2b² आ रहा है ना, 2b² क्या आ रहा है, a इंटू ए, पर हमको पता है कि जब दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो हमें एक इवन नंबर मिलता है, यहाँ 2b इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये a भी इवन नंबर होना चाहिए, तभी तो इनका मल्टीप्लीकेशन इवन आएगा, ठीक। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b², इट मीन्स ए स्क्वायर इज इवन। अब ए स्क्वायर अगर इवन है तो a is b इवन हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब a क्या मिल गया हमको, इवन। अब अगर हमें a इवन नंबर मिल गया तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू रख लेते हैं 2p, जहां p कोई भी नंबर हो सकता है। अब a इवन है ना तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा, इसका एक फैक्टर 2 तो होगा ही होगा, तो हम a को ले लेते हैं 2p, ठीक। अब a को अगर 2p ले लेते हैं तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p² हो जाएगा ना, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 4p². अच्छा यहाँ पे क्या था, यहाँ लिखा था कि 2b² इज इक्वल टू है a स्क्वायर, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं थोड़ा सा रब कर लेती हूँ ताकि मुझे लिखने की जगह मिल जाए, ये वाला पोर्शन हटा रही हूँ मैं, ठीक ओके। अब देखो 2b² क्या था, a स्क्वायर, और हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि a स्क्वायर इज 4p², तो 2b² इज इक्वल टू 4p², यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, b² इज इक्वल टू 2p², इसका मतलब b² भी इवन होगा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि b² भी इवन होगा, और अगर b² इवन होगा तो b भी इवन होगा, राइट, समझ में आया है नहीं। देखो यहाँ से b² कितना है, 2p², therefore b is also a even number,
अब मतलब ए भी इवन प्रूव हो गया और बी भी इवन प्रूव हो गया, ए और बी दोनों इवन प्रूव हो गए, तो इनका एक कॉमन फैक्टर तो टू वैसे ही हो गया है ना। देयर फोर ए एंड बी आर बोथ इवन एंड बोथ डिवाइडेड बाय टू, इनका एक कॉमन फैक्टर टू हो गया, इट मीन्स दे हैव अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू। बट हमने सबसे पहले क्या कहा था कि ए और बी का लोएस्ट फॉर्म है, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट ए कॉमा बी इज अ फ्रैक्शन ऑफ लोएस्ट टर्म, इट मीन्स कैंसल डाउन एज फार एज पॉसिबल, अब इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो सकते, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो वी हैव अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन टर्म हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट आ गया ये तो। देयरफॉर अवर ओरिजिनल अजम्पशन, मतलब जो हमने सबसे पहले अजम्पशन किया था क्या कि रूट टू इरेशनल है, वही गलत हो गया, दैट मस्ट बी रॉन्ग। तो रूट टू इज नॉट रैशनल बट इट्स अ इरेशनल, ठीक है। वी हैव प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इस पूरे को भले ही आप एक बार पॉज करके देख के पूरा लिखना अपने आप से, मैंने लिख लिख के क्यों एक्सप्लेन किया है, मैं ऐसे लिखा हुआ जो था पीपीटी में उसको पढ़ा सकती थी, पर लिख के क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आप जितनी बार लिख लिख के पढ़ोगे ना उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको करना जरूर एक बार, लिख के सॉल्व जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स है, आते ही है। इस बार का बोर्ड पेपर उठा के देखो, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एक, ठीक है ना। अच्छा, तो ये प्रूव हो गया कि रूट टू जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है, ठीक। किसी को दिक्कत हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसमें और कैसा क्वेश्चन बनता है इस टाइप का, प्रूव दैट रूट थ्री माइनस रूट टू इज एन इरेशनल, ठीक है। ये मैंने पूरे इसके स्टेप्स लिख के दिए हुए हैं कि पहले इनको ए बाई बी लिया, मान लिया कि रैशनल है, दोनों साइड स्क्वायर किया, होल स्क्वायर करो इसका, तो थ्री का स्क्वायर थ्री होगा, टू का स्क्वायर टू होगा, माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक। इसको आप अपने आप से पढ़ना करके देखना, नहीं आता है तो फिर मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो, पूरा पढ़ो, अपनी कॉपी पे सॉल्व करो, नहीं आएगा तो फिर बताओ, तो मैं एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बहुत सिंपल चीज है, कैसे हम करते हैं, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 24 के अगर फैक्टर करो तो वो क्या आएंगे, 2 into 2 into 2 into 3, और ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे नंबर प्राइम्स हैं, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। 30 को अगर किया जाए तो ये क्या आता है, 5 into 3 into 2, ये सारे नंबर क्या है, प्राइम्स है। हाँ, अब इनका अरेंजमेंट, मतलब हम 3 को पहले लिखते हैं, 5 को बाद में लिखते हैं, तो अरेंजमेंट अलग अलग हो सकते हैं, बट आएगा यही, फाइनली आएंगे यही प्राइम नंबर्स, ठीक। तो अब देखो थ्योरम पढ़ो, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट द वन कैन बी रिप्रेजेंट इन एग्जैक्टली वन वे अपार्ट फ्रॉम द रीअरेंजमेंट, मतलब रीअरेंजमेंट को छोड़ दिया जाए तो हम इसको एक ही एक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। तो ये एक वे है जिसमें हम इसको वन और मोर प्राइम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं इसको। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज कॉलरी ऑफ फर्स्ट ऑफ यूक्लिड थ्योरम, तो अभी यूक्लिड थ्योरम जो बताया उसी का ये कन्वर्ट है, समझ में आया, उसी का एक ये पार्ट है, ठीक। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो अब इसका यूज भी देखते हैं। देखो यूज करने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऐसे बताया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन, इसको ट्री फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना, ट्री फॉर्म में निकालना। अब देखो 1092 दिया है, इसका फैक्टर किया, 2 से डिवाइड किया पहले तो आया 546, फिर 3 से डिवाइड किया तो आया 188, फिर 2 से डिवाइड किया तो आया 91। अब 91 के दो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 13 और 7, समझ में आया है नहीं आया ये चीज, ठीक है। तो ये 2, 3, 2, 7, 13 ये सब क्या है, ये सब है इसके
प्राइम फैक्टर्स, सर्कल द प्राइम फैक्टर एज दे अपियर, ठीक है ना, जैसे जैसे प्राइम फैक्टर आते रहे उनको सर्कल कर लिया, ठीक, इसको हम ट्री फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और जो मैंने आपको बीच में नहीं बताई वो क्या था कि HCM और LCM, HCF और LCM और दो नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे अगर हमें दो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उनका हमने HCF निकाला और LCM निकाला, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, या हम बोले कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू LCM। समझ में आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अगर दो नंबर दिए हो और उनका HCF मिल जाए तो हम LCM भी निकाल सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसमें करने के लिए दिया था, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें से ये जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट वाला चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, देखो एक तो क्वेश्चन आता है HCF निकालने वाला, ठीक, एक तो आएगा HCF का, HCF कैसे निकालते हैं, HCF में और क्या आ सकता है, HCF बाय यूलर्स, ठीक है, HCF बाय यूलर्स आ सकता है, और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ सकता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, यूलर्स का यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन बताए मैंने, थ्योरी वाले क्वेश्चन कौन से, जिसमें डिवीजन बाय, डिविजिबल बाय थ्री, डिविजिबल बाय फोर और इस टाइप के जो क्वेश्चन थे ना, वो एक उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तीसरा कौन सा आ सकता है कि प्रूफ करो कि रूट के अंदर कुछ दिया हुआ है, दैट इज इरेशनल, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। फोर्थ आ सकता है HCF और LCM के कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस, ठीक, HCF और LCM के थ्योरी वाले क्वेश्चंस, तो वो आ सकते हैं। इस चैप्टर में से इतना ही आता है, तो इसके जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनके आने के चांस हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो मैं आपको दे दूंगी, प्लस फर्स्ट चैप्टर का PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है ना। तो जिनको भी वो PDF चाहिए हो या फिर इस PPT का, ये जो मैंने PPT बनाई है, उनको अगर ये PPT फॉर्म भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनको PPT भी प्रोवाइड करा दूंगी और PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है ना। तो चैप्टर फिनिश होता है बच्चों, टिल देन बाय बाय, अच्छे से रिवीजन करो, पूरा चैप्टर फिनिश करो, डाउट्स हो तो फिर मुझे बताओ।